हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जानेंगे टॉप 10 इंडियन सेलिब्रिटीज़ के शॉकिंग और अनएक्सपेक्टेड डिवोर्स के बारे में। तो नंबर 10 पर है हाल ही में हुआ डिवोर्स रैपर रफ्तार और उनकी वाइफ कोमल वोहरा का। रैपर रफ्तार और कोमल वोहरा ने 1 दिसंबर 2016 को शादी की और शादी के 4 साल बाद ही 2020 में दोनों ने डिवोर्स फाइल कर दिया था, लेकिन ड्यू टू पेंडेमिक डिवोर्स की प्रोसेस में देरी हुई और अब रैपर रफ्तार और कोमल वोहरा का डिवोर्स इस साल 6 अक्टूबर 2022 को होने वाला है। शॉकिंग डिवोर्स के लिस्ट में नंबर 9 पर है सामंता प्रभु और नागा चैतन्य का डिवोर्स। सामंता और नागा चैतन्य 2015 से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहने के बाद फाइनली 29 जनवरी 2017 में शादी के बंधन में बन चुके थे, लेकिन शादी के कुछ ही साल बाद 2021 में दोनों के डिवोर्स लेने के फैसले से उनके फैंस शॉक हो गए। 2 अक्टूबर 2021 को दोनों ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने फैंस को उनके अलग होने की बात शेयर की। चलिए बढ़ते आगे नंबर 8 की तरफ। नंबर 8 पर है आमिर खान और किरण राव का डिवोर्स। आमिर खान ने 2002 में अपनी पहली पत्नी रीना दत्ता से डिवोर्स के बाद दिसंबर 2015 में किरण राव से शादी की थी और 2011 में दोनों सरोगेसी के जरिए एक बेटे के माता पिता भी बने। आमिर और किरण के बेटे का नाम है आजाद राव खान। लेकिन बॉलीवुड में तब सब शॉक हो गए जब आमिर खान ने किरण राव से अपनी शादी के 15 साल बाद आपसी सहमति से डिवोर्स ले लिया। इसके बाद दोनों ने डिसाइड किया कि वे अपने बेटे आजाद के को पेरेंट्स रहेंगे और वो उनके प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स में भी पार्टनरशिप में साथ में काम करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे नंबर 7 की तरफ। नंबर 7 पर है मलाइका अरोरा और अरबाज खान का डिवोर्स। 2017 के सबसे शॉकिंग डिवोर्स में शामिल है मलाइका और अरबाज खान का डिवोर्स। शादी के 19 साल बाद 11 मई 2017 को दोनों अलग हो गए। दोनों का 19 साल का एक बेटा भी है जिसका नाम है अरहान खान। मलाइका और अरबाज ने भी डिसाइड किया है कि आफ्टर डिवोर्स वो दोनों अपने बेटे के को पेरेंट्स रहेंगे और अब दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। बढ़ते आगे नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 पर है एक्टर पुलकित सम्राट और सलमान खान की राखी सिस्टर श्वेता रोहिरा का डिवोर्स। पुलकित सम्राट ने 3 नवंबर 2014 में अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड और सलमान खान की राखी सिस्टर श्वेता रोहिरा से शादी की थी और शादी के एक साल बाद ही दोनों ने 2015 में डिवोर्स ले लिया। पुलकित और श्वेता का डिवोर्स काफी शॉकिंग था, लेकिन अब दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नंबर 5 की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नंबर 5 पर है धनुष और उनकी वाइफ ऐश्वर्या रजनीकांत का डिवोर्स। 18 नवंबर 2004 को धनुष और सुपरस्टार रजनीकांत की बड़ी बेटी ऐश्वर्या रजनीकांत शादी के बंधन में बंधे और दोनों के दो बेटे भी है यात्रा एंड लिंगा। लेकिन धनुष और ऐश्वर्या ने उनकी शादी के 18 साल बाद इस साल 17 जनवरी को एक दूसरे से अलग होने का फैसला लिया और ये शॉकिंग न्यूज अपने फैंस के साथ शेयर की। दोनों को साथ में काफी पसंद किया जाता है और इस कपल का सेपरेशन उनके फैंस के लिए काफी शॉकिंग रहा। बढ़ते आगे नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 पर है हिमेश रेशमिया और उनकी वाइफ कोमल रेशमिया। सिंगर हिमेश रेशमिया तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने अपनी 22 साल पुरानी शादी को तोड़ने का फैसला लिया और अपनी वाइफ कोमल रेशमिया से जून 2017 में डिवोर्स ले लिया और डिवोर्स के एक साल बाद 11 मई 2018 को टेलीविजन एक्ट्रेस सोनिया कपूर से शादी के बंधन में बंध गए। उनकी फर्स्ट वाइफ कोमल और उनकी शादी 1995 में हुई थी। उस वक्त हिमेश केवल 21 साल के थे। कोमल और हिमेश का एक बेटा भी है जिसका नाम है स्वयं। बढ़ते आगे नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 पर है पूजा भट्ट और मनीष मुखीजा। एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने मनीष मुखीजा से 24 अगस्त 2003 में शादी की थी और शादी के 11 साल बाद 2014 में दोनों ने डिवोर्स ले लिया। इसके बाद पूजा भट्ट ने शॉकिंग न्यूज को ट्विटर के जरिए अपने फैंस के साथ शेयर किया था।
चलिए बढ़ते आगे नंबर दो की तरफ। नंबर दो पर है करण सिंह ग्रोवर और जेनिफर विंगेट का डिवोर्स। एक्टर करण सिंह ग्रोवर अक्सर अपनी मैरिजेस और डिवोर्स को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। करण सिंह ग्रोवर और एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट कुछ साल एक दूसरे को डेट करने के बाद 2012 में शादी के बंधन में बंध गए थे। दोनों को ही साथ में उनके फैंस काफी पसंद किया करते थे, लेकिन दोनों ने अपनी शादी के 2 साल बाद 2014 में डिवोर्स लेने का फैसला लिया और अपने फैंस को इस बात से चौंका दिया। लेकिन इसके बाद दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए और करण सिंह ग्रोवर ने 30 अप्रैल 2016 को एक्ट्रेस बिपाशा बासु से शादी कर ली। बढ़ते आगे नंबर एक की तरफ। नंबर एक पर है करिश्मा कपूर और संजय कपूर। एक्ट्रेस करिश्मा कपूर ने 29 सितंबर 2003 को बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी की थी। दोनों का एक बेटा कियान और बेटी समायरा भी है, लेकिन करिश्मा ने 2016 में संजय कपूर से अलग होने का फैसला लिया और अपने फैंस को चौंका दिया। करिश्मा और संजय की अरेंज मैरिज हुई थी और शादी के 11 साल बाद दोनों ने डिवोर्स ले लिया। डिवोर्स के बाद करिश्मा ने एक्स हस्बैंड संजय कपूर पर कई आरोप भी लगाए और इस तरह दोनों के बीच डिवोर्स के बाद लीगल वॉर छिड़ गए। इसी के साथ ये थे टॉप 10 इंडियन सेलेब्स के शॉकिंग डिवोर्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना प्लीज मत भूलिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।